नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी चॉकलेट पीनट रॉक्स की रेसिपी। खाने में ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत इजी तरीके से ये बन जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मूंगफली ली है, मैंने ये रोस्ट की हुई मूंगफली ली है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसको रोस्ट की है। तो मैंने ली है ये 200 ग्राम रोस्ट की हुई मूंगफली और लिया है मैंने ये चॉकलेट। मैंने डार्क और मिल्क चॉकलेट दोनों यूज़ किए हैं यहाँ पर। तो मैंने ली है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम ही ली है मैंने मिल्क चॉकलेट। तो ये 200 ग्राम चॉकलेट है, 200 ग्राम चॉकलेट ली है और 200 ग्राम ही मैंने मूंगफली ली है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी मैंने मूंगफली किस तरीके से रोस्ट की है। तो एक पैन में पहले हम डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली का बाहर का छिलका मैंने हटा दिया है। इसको हम लो हीट पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, लगातार चलाते हुए इसे हम रोस्ट कर लेंगे और गैस को मीडियम टू लो हीट पर ही रखेंगे। जब मूंगफली रोस्ट हो जाएगी तो उसका बाहर का छिलका अलग होने लग जाएगा और उसका हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको मार्केट से रोस्टेड मूंगफली मिल जाती है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो सॉल्टेड नहीं होनी चाहिए, यानी बिना नमक वाली होनी चाहिए वो। तो ये मूंगफली हमारी रोस्ट होने ही वाली है। ये मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको हल्का ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने पर इसका हम छिलका अलग कर लेंगे। तो ये मूंगफली ठंडी हो गई हमारी, इसका हम छिलका अलग कर लेंगे। इस तरीके से इसको इस तरीके से मसल लेंगे, इसका छिलका एकदम अलग हो जाएगा। तो जैसे हमने मूंगफली को रोस्ट कर लिया, मूंगफली का छिलका इजीली निकल रहा है, देखिए। तो सारी मूंगफली का छिलका इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। तो सारी मूंगफलियों से मैंने छिलका उतार लिया है, अब इस छिलके को मूंगफली में से हटा देंगे। तो जैसे हम फ्राई करते हैं उसमें मूंगफली को डाल दूंगी और इस तरीके से मैं इसको छान लूंगी। छिलका और मूंगफली दोनों अलग हो जाएंगे। ये देखिए सारे छिलके निकल गए इस मूंगफली में से। इस तरीके से सारी मूंगफली को मैं कर लूंगी। मूंगफलियों का छिलका अलग करने के बाद इन मूंगफलियों को हम मसल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई। अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को मैं डबल बॉयलर पर मेल्ट कर रही हूँ। मैंने एक पैन में पानी रख दिया था गर्म करने के लिए, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट वाला बोल रख दिया है। ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब आप चॉकलेट को इस तरीके से मेल्ट करें, यानी डबल बॉयलर पर मेल्ट करें, तो ये चॉकलेट का बोल पानी से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो पहले इसे आप 30 सेकेंड के लिए कर लीजिए, एक बार ये चला लीजिए इसे, फिर 30 सेकेंड के लिए कर लीजिए। इस तरीके से चला चला कर इसे आप मेल्ट कर लीजिए। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट होने ही वाली है, थोड़ी सी ही रह गई है। तो ये चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस चॉकलेट को मैं पैन के ऊपर से हटा दूंगी। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इस चॉकलेट में मैं ऐड करूंगी एक पिंच सॉल्ट, एक चुटकी सॉल्ट की ऐड करेंगे, एक टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करते ही चॉकलेट का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा, चॉकलेट हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो तुरंत हमें इसे हाथ चलाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूंगफली जो हमने रोस्ट करके रखी है और इसे हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे। इस चॉकलेट में वनीला एसेंस डालना ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, लेकिन सॉल्ट ज़रूर ऐड करें, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं चॉकलेट को और पीनट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको हल्का ठंडा होने दूंगी। हल्का ठंडा होने पर इसके हम रॉक्स बनाएंगे। तो ये चॉकलेट हमारी हल्की ठंडी हो गई है, अब इसके हम रॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से स्पून में चॉकलेट ले लेंगे और इसको हम बटर पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। आप चाहें तो दूसरे स्पून की हेल्प ले सकते हैं इसकी रॉक्स बनाने में। इस तरीके से मैं सारी चॉकलेट बना लूंगी। खाने में ये चॉकलेट बहुत टेस्टी लगती है, क्रंची लगती है और इसको बनाना बिल्कुल ईजी है और बहुत कम चीज़ों से ये चॉकलेट बन जाती है। मैंने इसको सेट करने के लिए नीचे यूज़ किया है बटर पेपर। अच्छा वाला बटर पेपर यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी चॉकलेट स्टिक नहीं होगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है
तो आप ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चॉकलेट मैंने बना ली हैं, अब इनको मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूंगी फ्रीज़र में करीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये हार्ड हो जाए, सॉलिड हो जाए। तो इन चॉकलेट्स को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, चॉकलेट सेट हो गई है अच्छे से। आप इन चॉकलेट्स को भर के रख लीजिए एक एयरटाइट जार में, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इन्हें खा पाएंगे। तो तैयार है हमारी चॉकलेट पीनट रॉक्स यानी मूंगफली वाली चॉकलेट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।